हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय, एज अ डेवलपर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको उधार से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। स्वाहिली भाषा में एक कहावत है, उधार लेना शादी से मिलने वाली खुशी जैसा है, मगर उधार चुकाना शोक या मातम मनाने जैसा। उधार लेना या देना बड़ा ही नुकसानदायी हो सकता है, पर इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि अब उधार लेना या देना दोस्ती के रिश्ते को खराब नहीं करेगा। यह सच है कि कर्ज अक्सर रिश्तों में दरार डाल देता है। मिसाल के लिए, अगर सही वक्त पर पैसा न लौटाया जाए और कर्ज चुकाने में देरी हो जाए तो उधार देने वाले हमसे नाराज हो सकते हैं, उसके दिल में कड़वाहट आ सकती है और दोनों का रिश्ता बिगड़ सकता है। यहाँ तक कि उनके परिवारों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि कर्ज लेने से लोगों के बीच झगड़े होते हैं, इसीलिए कुंच कॉर्पोरेशन कंपनी ने इन कारणों का पता लगाकर ड्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कितना पैसा कब कहां और किसके पास बाकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, उधारी में विस्फोट तो ड्यू से ले सपोर्ट। ड्यू सॉफ्टवेयर का यूज कर आप भी इस तरह की परेशानी से बाहर आ सकते हैं। आपसे उधार लेने वाले और आपको उधार देने वाले भी परेशान नहीं रहेंगे, अगर आप उनको भी ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सजेस्ट करें तो। सजेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस शेयर करिए वीडियो उन लोगों को जो उधारी की परेशानी से निकलना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ये है ड्यू सॉफ्टवेयर। इसे इतना सिंपल बनाया है कि आपको सीखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसमें सबसे पहले आपको आईडी क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए आपको क्रिएट आईडी पर क्लिक करना होगा। इसमें एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको उस व्यक्ति की डिटेल डालनी होगी जिससे आप पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं। इसमें आपको पार्टी नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रोफेशन, ईमेल आईडी और डेट डालनी होगी, जिस डेट में आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत टाइप कर दिया हो तो लिस्ट बॉक्स पर डबल क्लिक कर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पार्टी आईडी डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पार्टी नेम, फादर नेम और एड्रेस अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद आपको सिर्फ डेट और अमाउंट डालना है। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो रिसीव अमाउंट में पैसा डालना है। यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो पे अमाउंट में पैसा डालना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी भर सकते हैं कि आपने पैसा किस कारण से लिया या दिया। इसमें रिसीव डिस्क्रिप्शन और पे डिस्क्रिप्शन दोनों ही दे रखे हैं। इसमें दो ऑप्शन और हैं, रिसीव ड्यू और पे ड्यू। रिसीव ड्यू आपको ये बताएगा कि आपको उस व्यक्ति से कितना पैसा लेना बाकी है, और पे ड्यू आपको ये बताएगा कि आपको उस व्यक्ति को कितना पैसा देना है। और हाँ, यदि आप उस व्यक्ति की आईडी भूल जाए तो फाइंड कस्टमर आईडी पर क्लिक कर उस व्यक्ति का नाम लिख उसकी आईडी देख सकते हैं। अब तक ये सॉफ्टवेयर आपको समझ में तो आ ही गया होगा। यदि आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल जरूर करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।